आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि कैसे आपने 14 सेगमेंट डिस्प्ले को यूज करके उसकी मदद से कोई भी राइटिंग, कोई भी नाम वगैरह डिस्प्ले कर सकते हैं, कुछ भी जैन उससे कोई सेंटेंस वर्ड वगैरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले 14 सेगमेंट डिस्प्ले पिक करें, सर्च करें 14 सेगमेंट डिस्प्ले। यहाँ से बहुत सारे आपके पास आ जाएंगे, इसमें ब्लू कलर की है, ग्रीन कलर की है, रेड की है, और ये जो है कॉमन एनोड की है, ये जो है कॉमन कैथोड के हैं। तो ये इसमें सिंगल है, इसमें मल्टीपल भी हैं, 4 के हैं, इसमें 6 डिजिट्स के हैं, इसमें 8 डिजिट के हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मैं यहाँ से ग्रीन उठाता हूँ और कॉमन एनोड, ग्रीन कॉमन एनोड उठाता हूँ, ठीक है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें, उसके बाद एक जो है बटन भी उठा लें यहाँ से, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, पुश बटन है, ठीक है। और अब यहाँ पर आकर 7 सेगमेंट डिस्प्ले जो है उसको मैं रख लेता हूँ, और रखने के बाद यहाँ पर कीप इन माइंड कि इसको हमेशा आपने पावर देनी है, इसको आपने पावर देनी है, ठीक है, 5 वोल्ट इसको देंगे। और बाकी जितने भी पिन हैं उनको आपने ग्राउंड करना है। तो ये जो है ग्राउंड जब करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे कि ये, मैं फिलहाल ग्राउंड ऐसे ही रख लेता हूँ, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको हम फिर कनेक्ट करेंगे। तो ग्राउंड के साथ जब भी इसको पिन को कनेक्ट करेंगे और रन करेंगे तो वो हाईलाइट वो जो है वो ऑन हो जाएगी। लेट सपोज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल 6 पिन है, तो यहाँ पर 6 जो है सेगमेंट है, 1 2 3 4 5 6, और जो नीचे वाले हैं ये 1, इसके इन बीच में जो है विद इन जो हैं विद इन दीज 6 सेगमेंट जो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 पिन्स हैं। तो ये 8 सेगमेंट्स के लिए, जबकि जो लास्ट पिन है वो इस पॉइंट के लिए, डॉट के लिए, ठीक है। लेट्स सपोज मैं इसको ग्राउंड के साथ करता हूँ और रन करता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं कि ये हाईलाइट हो गया है, और इसको मैं अगर वापस डिलीट कर दूँ तो अभी ये हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है। अब लेट सपोज आपने इसको हाईलाइट करना है, तो आप यहाँ पर इसको रन करें, देख सकते हैं ये हाईलाइट हो गया। उसके बाद आपने मिसाल लेट सपोज आपने 0 बनाना है, तो कौन कौन सा को आपने हाईलाइट करना है, 1 2 3 4 5 6, तो इन तमाम को जो है कनेक्ट कर लें ग्राउंड के साथ, और फिर देखें कि आप 0 बनता है कि नहीं। इसको मैं रन करता हूँ, तो देख सकते हैं आप 0 बन गया। अगर आपने इसके 9 बनाना है तो 9 में क्या है कि आपने जो 5 जो है उसको बंद करना है, यानी यहाँ से ख़त्म कर देना है और रिमूव कर दें 5 नंबर पिन, और देख सकते हैं आप यहाँ पर जो है ना ये 2 आपको चाहिए। तो इन 2 में से आप देखें 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 4 नंबर को हाईलाइट करें, उसके बाद जो है ना 5 6 7 8, उसके बाद 8 नंबर को कर दें, तो लास्ट वाला जो है इसको हाईलाइट कर दें, तो ये आप 9 बन गए, ठीक है। तो इसी तरह अगर आपने इससे कुछ इंग्लिश के अल्फाज लिखने हैं, लेट्स सपोज आप इससे टी लिखना चाहते हैं, तो टी के लिए आपको तमाम को आप बंद कर दें, यानी मैं यहाँ से बैक कर देता हूँ। टी के लिए ये आपके पास हाईलाइट होना चाहिए, और उसके बाद ये 2 होनी चाहिए, तो ये 2 नंबर पे है, तो 2 नंबर को कनेक्ट कर दें, उसके बाद 3 4 5 6, और उसके बाद 6 नंबर को हाईलाइट कर दें, तो देख सकते हैं आप हाईलाइट हो गया। अगर आपने एच करना है तो एच के लिए आपको चाहिए ये 2 और ये 2, तो 3 4 6 7, सॉरी ये लास्ट वाले 2, और उसके बाद जो है ये 2 हो गए, उसके बाद एक को छोड़ के फिर 2 आपने कर देने हैं। यहाँ लगता है एक कनेक्ट नहीं हुआ,
और उसके बाद इन दो को आपने करना है, तो 1 2 3 4 को कर दें और 8 को कर दें। तो देख सकते हैं आपने एच कर दिया। अब लेट सपोज मैं इस पे अपने चैनल का नाम लिखना चाहता हूँ, द ब्राइट लाइट, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ। और उसके लिए आपको चाहिए कि जितने भी आपको मैंने लिख दिया ऑलरेडी, ताकि टाइम ज़ाया ना हो, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने क्या किया है कि मैंने यहाँ पर एक बटन लगाया, ताकि बटन जब ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा। तो देख सकते हैं ये ऊपर जितने भी हैं तमाम को मैंने फायरफॉक्स के साथ कनेक्ट किया है। और उसके बाद जितने भी है वो अब इस पे DTHE, तो देख सकते हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ और इसको मैं बटन ऑन कर देता हूँ। देख सकते हैं इस पे T का आया है, वो रिलेवेंट मैंने हाईलाइट किया है, फिर H, फिर E का आया है, फिर B के लिए मैंने ये कनेक्शन किया, RIGHT LIGHT, और दी ब्राइट लाइट, और ये मेरे चैनल का नाम है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सर्किट डायग्राम मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी तरह आप कोई भी नाम डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई भी सेंटेंस डिस्प्ले कर सकते हैं, कोई भी डिजिट वगैरह या एनीथिंग यू कैन डिस्प्ले इन इट।